Now we will learn about how children learn critical thinking skills during their play. Um, a good play uh, influences students' critical thinking skills. So, children can learn critical thinking aspects such as asking open ended questions, developing their own hypothesis regarding diverse situations, and choosing to intervene in issues. The खेल के दौरान जैसे हम अर्ज रहे हैं बच्चे सबसे पहले उसको प्लान करते हैं। हम करेंगे क्या हम खेल रहे हैं हम पकड़े पकड़ाई खेल रहे हैं या हम किसी घर कोई घर बना रहे हैं या हम कोई गाड़ियां चला रहे हैं तो वो छोटा सा प्लान करते हैं फिर प्लान के दौरान चूँकि वो सारी चीज़ें इमेजिनेटिव हैं कुछ टॉयज उनके पास होते हैं जिनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में इमेजिन करते हैं तो उनके बीच में उनको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है और फिर वो क्रिटिकली सोचते हैं कि अच्छा ये मेरा प्लान ठीक है या नहीं और मैं नेक्स्ट प्लान कैसे बनाऊंगा अच्छा अगर ऐसे काम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा या गाड़ी गिर गई या कोई और मसला पेश आ गया तो फिर मुझे क्या करना है ऐसी सूरत में वो खुद कुछ ना कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस बना रहे हैं कि भाई आ, फिर क्या करना चाहिए फिर मुझे कैसे करना चाहिए अगर वो नेचुरल सेटिंग में बाहर स्कूल से बाहर खेल रहे हैं या घर से बाहर खेल रहे हैं तो फिर वो सोचते हैं कि उनको क्या किसी दृश्य पर चढ़ना है या उनको भागना है या क्या करना है और क्यों करना है देखिए जो क्यों का सवाल है वो खास तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है कि आप उसके प्रो को देखें। मतलब बच्चा कुछ भी करने लगेगा तो वो पहले से उसके फवायद या नहीं कर सकता अच्छा ये ज्यादा कामयाब रहेगा इसको हम हाइपोसिस कहते हैं कि आप किसी चीज के सोल्यूशन के लिए कोई गैस कर लें कि अच्छा, मैं ऐसा करूंगा तो ये होने वाला है फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं भी होती ऐसी सूरत में उसको इंटरवीन करना पड़ता है कि नहीं अच्छा ऐसे नहीं चल रहा तो फिर मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा फिर उससे फ्लेक्सीबिलिटी पैदा होती है और ये सब किस चीज़ का हिस्सा है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है ये और ये प्ले के बगैर नहीं आ सकती वो इसलिए कि बाकी सारी चीजों में तो उस्ताद प्लान कर रहा होता है या वालिदैन प्लान कर रहे होते हैं जब बच्चा फ्री प्ले करता है और वो खुद से अपनी चीजें इमेजिन करता है और खुद से ही उसको मैनेज भी करनी होती हैं तो फिर वो अपनी सारी डिसीजन मेकिंग भी खुद ही कर रहा होता है

वो किसी पत्थर से टकरा रही है तो वो उसको उसको वहां से छुड़ाएंगे और नए रास्ते पर डाल देंगे वो सारी ऐसी स्ट्रेटजीज जो बाद में अडल्ट होकर उनको करनी है अपने मसाइल हल करने हैं मसाइल के एक से ज्यादा हल सोचने हैं या बहुत से जो हल दिए गए हैं उनमें से किसी एक हल की तरफ आना है जिसको हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बहुत बड़ी स्टेजेस हैं इनके बारे में भी बच्चे शुरू से यहाँ से सोचना शुरू कर देते हैं फिर हम देखते हैं मेकिंग अच्छा मुझे क्या, खेलना है? खेलना है? क्या मेरे लिए खेल खेल सके तो ये चॉइसेस है ना और चॉइसेस आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिसीशन मेकिंग हमेशा चॉइसेस में से होता है कि भाई ये चार बातें मेरे सामने हैं और इनमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जो मेरे लिए फायदा मंद रहेगी कौन सा टॉय मेरे लिए क्या रोल अदा करेगा मुझे क्या चीज पिक करनी है मैं क्या करना चाहती हूँ क्या मैं पेंट करना चाहती हूँ या मैं कोई घर बनाना चाहती हूँ या मैं ब्लॉक्स के जरिए कुछ बनाना चाहती हूँ तो ये मेरी चॉइसेस हैं अब वो बच्चे और बच्चियाँ अपनी अपनी चॉइसेस में आजाद होंगे तो कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो जाहिर है उस डिसीजन मेकिंग के पीछे कुछ लॉजिक्स उनकी मौजूद होंगे तो दे द प्ले कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग्स ऑफ इमर्जिंग सेल्फ आइडेंटिटी Self self and competence. तो क्या ये ये सारी चीजें? मैंने 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 कर लिया, मैंने ये गेम खेली है, ब्लॉक बना लिए हैं, अपनी जीप की रेस लगाई और मैं रेस में जीत गया और मैंने फला एक्टिविटी की तो ये सेंस अचीवमेंट जो है वो आपके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी यानी अपनी शनाख पैदा कर देती है और फिर आपकी सेल्फ डायरेक्टेडनेस यानी मुझे किस सत में जाना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए मेरे लिए क्या बेहतर है ये एक बहुत बड़ी सोच है जो आइंदा आने वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है तो ये बच्चों को खेल ही सिखा सकता है क्योंकि वहां पे वो डिसीजन मेकिंग खुद करता है फिर ये कि वो फ्लैक्सिबिलिटी सीखता है फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक सोलूशन नहीं काम करता एक तरीका या एक हाइपोसिस उसका गलत साबित हो गया तो अब वो दूसरे पे आ जाएगा अगर इस तरह से नहीं तो उस तरह से अगर ये प्लेमेट ठीक नहीं तो फिर दूसरा प्लेमेट है तो तेजी से बल बदलते हुए उसके डिसीशन उसको लॉजिक पे काम करने पे मजबूर करते हैं तो प्ले हम अगर यह समझें कि जितनी भी लर्निंग है उसकी इब्तदा खेल से ही शुरू होती है क्योंकि ये एक कुदरती अमल है तो हम अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत बेहतर से पैदा कर सकते प्ले इमर्जिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस जिसका मतलब ये है के बच्चे अप जब कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल करते हैं कोई अपना खेल मुकम्मल कर सकते हैं या अपनी मर्जी का रोल प्ले कर सकते हैं तो वो सेल्फ आइडेंटिटी फील करते हैं और फिर जब वो अपनी खुद तय करते हैं कि मैंने ये करना था मैंने ये कर लिया अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैंने अपना मकसद पा लिया तो एक सेल्फ डायरेक्टेडनेस पैदा होती है जो आने वाली उम्र में उनके लिए बहुत ज़रूरी है फिर ये कि यही चीज उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आती है कि वो ये कर सकते हैं और उससे उनके अंदर जो है वो करेज पैदा होती है और बहादुरी पैदा होती है ताकि वो आने वाले दिनों में हर तरह के हालात का मुकाबला कर सके और इसी तरह फ्लैक्सीबिलिटी भी एक बहुत बड़ा अंसर है जो प्ले के जरिए पैदा होता है क्योंकि बच्चे अगर एक उनका सोल्यूशन काम नहीं करता तो वो दूसरे की तरफ आ जाते हैं और इस तरह से वो ये जान जान पाते हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर उनकी कोई एक तरकीब या एक स्ट्राटी नाकाम होगी तो दूसरी कामयाब हो सकती है